एक सभा जिसमें 11 आदिवासी मारे गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। आज हम बात करेंगे गोवा गोलीकांड की। प्रत्येक 8 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा में 43 साल पहले हुए एक आंदोलन ने झारखंड राज्य बनने में मदद की थी। वह है 8 सितंबर 1980 की गोवा गोलीकांड। यह घटना झारखंड अलग राज्य आंदोलन की एक मुख्य टर्निंग पॉइंट तो थी ही, यह भारत की पहली घटना भी बन गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस नियमों का उल्लंघन हुआ। इस घटना में आदिवासियों पर तत्कालीन बिहार सरकार के BMP जवानों ने न सिर्फ गोलियां दागी, अस्पताल पहुंचने पर वहां भी घेर कर मारा। क्या है गोवा नरसंहार? जंगलों में अपने गांव की जमीनों पर फिर से दखल करने और खेती के लिए जंगल की कटाई को लेकर की प्रक्रिया में तत्कालीन सरकार ने अगस्त 1980 में 108 लोगों को गोवा थाना ले गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े नेतृत्वकर्ताओं में मछुआ गगराई, सुलापूर्ति, मोरा मुंडा, देवेंद्र मांझी, बहादुर उराम आदि शामिल थे। गिरफ्तारी के खिलाफ योजना बनाई गई थी। इसी के लिए 8 सितंबर 1980 को गोवा हवाई अड्डे में भीड़ जुटी थी। 108 लोगों को रिहा करने, पुलिसिया जुल्म बंद करने, गोवा के जामदा के मजदूरों को अस्थाई करने, जमीन के लिए मुआवजा मांगने तथा अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर सभा बुलाई गई थी। इस सभा में 5,000 लोग जुटे थे। सभा में लाठीचार्ज और गोलीबारी के कारण जीतू सोरेन और बागी देवगम मारे गए। इससे गुस्से में आकर आंदोलनकारियों ने तीर चलाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 3-4 बिहार BSP पुलिस मारे गए। सबसे भयानक घटना तब घटी जब सामने के इसको अस्पताल में घायल पुलिसकर्मी और आंदोलनकारियों को लाया गया। अस्पताल को घेरकर 9 राउंड गोलियां चलाई गई जिसमें सभी 9 आदिवासियों को मार दिया। गोवा नरसंहार में मार दिए गए आदिवासी थे जीतू सोरेन, बगी देवगम, चुरी हांसदा, चंद्रो लागुरी, गांडा ओनहांगा, रामो लागुरी, जोरापूर्ति, चिंतन चंपिया, रेंगो सोरेन, ईश्वर सरदार। इन आंदोलनकारियों के याद में तत्कालीन झामुमो सांसद कृष्णा मरांडी ने 10 वर्षों के बाद 1990 में गोवा साप्ताहिक हाट मैदान में शहीद स्थल का निर्माण कराया था। वहां पर 43 सालों से श्रद्धांजलि सभा हो रही है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।